गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू कृष्णा अकेडमी क्लासेस। हम बात कर रहे थे बहुपद के ऊपर। बहुपद में मैंने आपको तीन पार्ट समझाए थे, आज जो लास्ट आपका पार्ट है, फोर्थ पार्ट जो आपका दिया है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। अभी तक आपने सीखा था बहुपद के अंदर द्विघात बहुपद और मैंने चतुर्थघात, जिसमें कुछ आपको जीरोस निकालने के मैंने तरीके बताए थे, लेकिन आज जो होगा वो त्रिघात बहुपद होगा। त्रिघात बहुपद होगा जिसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी जो इक्वेशन तैयार होगा वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से आप कंपेयरिंग करेंगे। इसके इसको सीखने से पहले आप कुछ फार्मूलों पे चलते हैं। तो सबसे पहला होता है मूलों का योगफल, ये आपके पुराने फार्मूले हैं, मूलों का योगफल। तो मूलों के योगफल का जो फार्मूला होता है वो पुराना ही रहेगा, माइनस का बी बाई ए, जिसे हम बोलते थे। यहां पे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। और सबसे बड़ी चीज आप इसमें समझ लीजिए, इसमें जो मूल है, अगर आप कुछ मान लेते हैं तो बहुत ही बेटर है। मान लीजिए कोई भी मूल आपके दिए हैं, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक नई चीज जो बनती है, इसमें आपको सिर्फ कहना होगा कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर के, बस ये नई चीज थोड़ी सी ऐड होती है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग, ये जो आपका फॉर्मूला आपका हो जाता है, ये होता है आपका c बटे a, a बराबर में हम बोलते हैं c बराबर a, अथवा x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। चेंजिंग कुछ भी नहीं करना है। अब आपका आता है कि जैसे आपने द्विघात में सीखा था कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, उसी तरीके से आपको सीखना है इसमें शून्यक या मूल। कंफ्यूज मत होइएगा, शून्यक को ही मूल बोलते हैं, मूलों को ही शून्यक बोलते हैं, कि शून्यकों का गुणनफल जो फार्मूला होता है वो होता है डी बटे ए, अथवा हम बोल सकते हैं अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ये आपके पास दिया होगा, ये तीन फार्मूले होंगे, इन्हीं तीन फार्मूलों पे आपको चलना है। आप इसे एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि त्रिघात बहुपद में सबसे बेटर जो पहचान होती है, आप उसके इक्वेशन पे जाइए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तीन आपके फार्मूले याद कर ले, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। अर्थात हम कैसे लिख सकते हैं इसको, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, जिसे एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, फिर मूलों का गुणनफल डी बटे ए अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ये आपका हो गया। अब आपको हम इससे रिलेटेड कुछ